राजनामा दुनिया के साथ मैं प्रिया। गाजियाबाद में मंगलवार सुबह दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। नोएडा के एक निजी स्कूल की बस और कार में टक्कर हो गई। हादसे में एक परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, इसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। 2 लोगों की हालत नाजुक है। हादसा NH9 पर क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में सुबह करीब 7 बजे हुआ था। मेरठ के थाना इंचोली के धनपुर गाँव का रहने वाला परिवार TUV कार से खाटू श्याम के दर्शन करने जा रहा था। कार में 4 बच्चे भी सवार थे। तभी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर विजयनगर फ्लाईओवर के ऊपर गलत दिशा में आ रही स्कूल बस ने टक्कर मार दी। हादसे का CCTV भी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि तेज रफ्तार बस रॉन्ग साइड से जा रही थी, तभी सामने से आ रही कार टकरा जाती है। कार में सवार लोग बुरी तरह फंस गए, जिन्हें पुलिस ने किसी तरह निकालकर अस्पताल भेजा। गनीमत रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस समय स्कूल बस में बच्चे नहीं थे। ऐसे ही बने रहिए राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।